प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग इस फिल्म के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसमें एक नया कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलने वाला है और साथ ही एक नया डायरेक्टर भी मिलने वाला है, जो कि एज अ कोरियोग्राफर तो बहुत हिट है, एज अ डायरेक्टर रामदेवन जी के साथ मेरी पहली फिल्म होगी और एज अ कोरियोग्राफर बहुत सारी फिल्में की हैं। तो ये दो दो मतलब ये तो आइटम बम वाला एक्साइटमेंट है। मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ कि रामदेवन जी के डायरेक्शन में ये फिल्म मैं करने जा रहा हूँ। ये बहुत खुशी की बात है। बना दिए सब लोग? एक्चुअली डायरेक्टर ही दूल्हा होता है मेन, तो जो सारे दूल्हों को सजाता है सही तरीके से। तो अच्छा है कि डायरेक्टर स्मार्ट और हैंडसम है हमारा। सबसे पहले सारे भोजपुरी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत सारे प्यार दिए एक साउथ इंडियन को आप लोगों ने, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत फिल्म के बारे में कहूँ तो बहुत अच्छी फिल्म है और प्लस पॉइंट ये है कि एक कोरियोग्राफर डायरेक्टर बन रहा है और मेरा हीरो खुद एक कोरियोग्राफर है, ये बड़ा अच्छा लगा। और गाने इसमें बहुत साउथ का झलक मिलेगा आप लोग को, जैसा अल्लू अर्जुन का डांस है। आज तक मुझे भोजपुरी में कोई कलाकार नहीं मिला जिसको मैं प्रभुदेवा बना सकूं। इस फिल्म में एक हीरो को बनाऊंगा अजय देवगन, एक को बनाऊंगा प्रभुदेवा। स्टार कास्ट देखिए, बच्चे लोग नए हैं, उदारी नया लड़का है लेकिन लोग जानते हैं उसे। और दूसरा हीरो भी एक फिल्म कर चुका है महालैंड, और दोनों का कैरेक्टर भूमिका अलग है। और इस फिल्म के जो माँ बाप हैं, जो बड़े हैं, अवधेश मिश्रा, संजय पांडे जी, सुशील सिंह जी, सारे मंजे हुए कलाकार हैं, तो ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, बहुत खूबसूरत बनाऊंगा इसे। जैसे मेरे 3 मिनट के गाने आप लोग 200 मिलियन 400 मिलियन पहुंचाते हैं, प्रार्थना करूंगा आप लोगों से मेरे फिल्म को भी उतना आशीर्वाद प्यार दें। इस फिल्म में संजय सर सबको नचाएंगे, इतना बड़ा किरदार है इनका। अवधेश मिश्रा को भी नचाएंगे ये, सुशील सिंह को भी नचाएंगे ये, इतना बड़ा किरदार है इनका। हाँ, ये बहुत एक्साइटमेंट की बात है कि मैं शायद, जहाँ तक मुझे कहानी के बारे में पता है, कि इस फिल्म में नेगेटिव मैं ही हूँ, ये दोनों लोग पॉजिटिव किरदार में, दोनों पॉजिटिव किरदार हैं। तो मार खाने का जिम्मा इकलौता मुझे ही दे दिया माचो जी ने। इन दोनों लोगों को बहुत सेफ जोन में रखा गया है कि बिल्कुल पिटेंगे नहीं, बट अच्छी बात है कि। और हम शायद, हमने एक ही फिल्म की थी, दो फिल्में हम साथ कर चुके हैं जिसमें हम तीनों लोग हैं, जीना तेरी गली में, रासिलक, और ये इतनी फिल्मों के बाद ये तीसरी फिल्म है जिसमें हम तीनों एक साथ दिखेंगे। और ये मेरे लिए भी बहुत एक्साइटमेंट की बात है और ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग एक दिन में 5 लोकेशन शूट किए हैं, जिसमें से फिल्मिस्तान गोरेगांव का, आदर्श नगर जो स्ट्रगल एरिया है रियल भोजपुरी लोगों का, थर्ड हम लोग जूह चौपाटी, फोर्थ बैंड स्टैंड, फिफ्थ ताजेली, सिक्स सिद्धिविनायक, इतने लोकेशन आज हम लोग एक दिन में शूट करके आए हैं। वेरी गुड, काफ़ी हीरो मेहनती है और मैं तो मेहनत से पीछे कभी हटता नहीं हूँ। और कोरियोग्राफर को कोरियोग्राफर मिला तो कुछ हंगामा करूँगा। म्यूज़िक पे अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो फिर मजाक हो जाएगा म्यूज़िक के साथ। म्यूज़िक मैंने एक ही लाइन में बोला था कि इस पिक्चर में मेरा हीरो जो है अल्लू अरविंद के स्टाइल में दिखेगा, फुल टू डांस के साथ। मेरा नहीं होगा लेकिन पूरे फिल्म का एंड में एक गाना होगा जिसमें अक्षरा सिंह जी नाचेंगी, और जैसे मैं हूँ ना ओम शांति ओम में फराह खान करती है, उस तरह का पूरा यूनिट, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक, कलाकार से लेकर उनके स्पॉट बॉय तक, सारे लोग एक साथ एक गाने में नजर आएंगे जिसको स्पेशल सॉन्ग बोला जाएगा। प्लैनेट भोजपुरी।